हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। उससे पहले ऑलवेज स्टडी पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो वह है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार जो है इस योजना की शुरुआत जो है की है। ठीक है, सूखा, बिन मौसम बारिश और बाढ़ से जो फसल नुकसान होता है उसके लिए गुजरात सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो है अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टरों LCH को तैनात किया? तो उनकी संख्या 2 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकारी पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये पहला राज्य बन गया है अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो वह है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुरुआत जो है शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला हैरिस जी को उपराष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की महिला है इनको अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? तो वह है रूस। रूस ने यह मंजूरी दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार किसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेउता स्कीम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये घोषणा की है महिलाओं के कल्याण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र जो है ये जो है घोषणा की है कि जो मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय हैं उनकी सहायता जो है संयुक्त राष्ट्र करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो वो है असम। असम राज्य ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। 2 अक्टूबर से ये योजना असम राज्य में लागू करेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।